हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेविडिक्शन। यस, तो अभी ये लद्दाख सीरीज का अपना पहला वीडियो है। तो वो इंतजार का पल शायद अभी हमारा खत्म हो रहा है, जिस पल के लिए हमने बेसब्री से इंतजार किया है, बहुत प्लानिंग किया है, बहुत मेहनत की है। एंड फाइनली हम लोग लद्दाख ट्रिप के लिए अपना जो रिक्वायर्ड सामान है उसमें से 70 to 80% सामान अभी हमारे पास है। एंड आधी शॉपिंग हमारी दिल्ली में हो गई है, बिकॉज वी आर नॉट टू, वी आर थ्री हू विल बी गोइंग टू लद्दाख, मैं, रिया और मेरा फ्रेंड स्वरूप। तो इनमें लास्ट लद्दाख ट्रिप स्वरूप वाज माय पिलियन इन एनफील्ड, बट दिस टाइम वी विल बी ड्राइविंग आवर स्लाइविया टू लद्दाख। तो जैसा कि आप हमेशा करते हो ना, जैसे लद्दाख या ऐसा बड़े ट्रिप में प्रिपरेशन तो हैवी जाता ही है, ये 20 दिन का ट्रिप है, तो अकॉर्डिंगली हमने पूरा प्रिपरेशन किया, जैसे अपना गाड़ी, देन वहां पे रहने की चीजें, एंड जैसे अपना स्किन केयर वगैरह तो रिया का डिपार्टमेंट था। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे सारा छोटा छोटा करके शॉपिंग किया है, कुछ अपने ट्रांजिट में है। तो अभी हम आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि हम क्या लेके जा रहे हैं, एंड साथ में हमने रूट क्या डिसाइड किया है, एंड उसके साथ हमने परमिट का क्या वर्किंग किया है। तो मैंने पूरा स्क्रीन कैप्चर किया है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी हो। एंड आप ये वीडियो पूरा देखो, थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो, बट दिस विल बी वेरी मच रिक्वायर्ड इफ यू आर प्लानिंग योर ट्रिप टू लद्दाख। एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप बने रहिए ये वीडियो पे, थोड़ा लंबा वीडियो है क्योंकि इसमें हम बहुत ही शॉर्ट टाइम पे कुछ कुछ चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, एंड बहुत रिक्वायर्ड चीजें हैं वो लद्दाख के लिए। राइट, तो स्वयं शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट। हाँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अब से लगातार आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई टू एंटायर ले, एंड देन फिर हम लोग कैसे वापस आते हैं। तो स्टार्टिंग विथ जैसे हम लोग मुंबई से घर से निकलेंगे एंड वापस आएंगे, ये गाड़ी जो है ना हमारे साथ हमेशा रहेगी। सो सबसे पहले अपने से भी पहले उसका केयर करना है। तो सबसे जो कॉमन चीजें जो रास्ते पे हो सकती है, सो दैट इज टायर रिलेटेड इश्यूज, दैट इज लाइक टायर पंक्चर। एंड देखिए बड़ा कुछ होता है तो आप सर्विस सेंटर को या फिर रोड साइड को कॉल कर ही लोगे। तो टायर के लिए हमने क्या किया, हमने एक पंक्चर रिपेयर किट, ये वाला है ना, मैंने स्कोडा से लिया है। तो इसके अंदर जैसे ट्यूबलेस टायर के जो बेसिक पंक्चर के जो चीजें हैं ना, ये है सारे सामान। तो आप ये ना अमेजन में कोई भी लिंक अवेलेबल है, आप, मैं डाल दूंगा, अमेजन में ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो आप वो अमेजन से भी ले सकते हो। सेकेंडली, अपने पंक्चर रिपेयर तो कर लिया, फिर उसमें आपको हवा भरना पड़ेगा। सो वी बॉट ए दिस वन एयर पंप या फिर टायर इन्फ्लेटर बोल सकते हो। तो यहाँ पे है ना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एंड सब में मेरे मिक्स्ड रिव्यूज है। अरे बहुत हैवी है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दिस इज मिशेलिन डबल बैरल टायर इन्फ्लेटर। एंड ये मैंने ना मैनुअल लिया। क्यों लिया, बिकॉज मैं गाड़ी के यूएसबी में है ना मैं कुछ डालना ही नहीं चाहता था, पता चला इस पे कुछ ऑड है, उसके वजह से मेरा फ्यूज निकल गया गाड़ी का, या फिर इसका डिजिटल कुछ खराब होता है, जैसे बहुत बार बोलते हैं लोग ये मीटर खराब है। तो इसके लिए मैंने मैनुअल रखा, एंड वी बॉट दिस डबल बैरल सो दैट कि मेरे सिंगल फुट प्रेशर पे डबल एयर प्रेशर गाड़ी में जाए। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नॉट ओनली फॉर लद्दाख ट्रिप, बट हम जितना रोड ट्रिप करते हैं, रिया हम लोग कितना नाइट ड्राइव किए हैं, बहुत ज्यादा। तो और हमने ये चीज फेस की है, इसलिए हमें ये बहुत रिक्वायर्ड लगा, क्योंकि हर बार हम लोग पंचर के जगह पे जाते हैं और पेट्रोल पंप्स में हम एयर के लिए पर्सन होते हैं, होता नहीं है। बट वो जो तुम जो बोल रही हो ना, एयर के लिए पर्सन नहीं होता, वो हम लोग पता है दोस्तों क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग बहुत लंबा ड्राइव कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो टायर गर्म हो जाता है और एयर प्रेशर बढ़ जाता है, एंड हाईवेज में हमको पता नहीं चलता। हाँ, वो पता नहीं चलता है, कभी वाइब्रेट होने लगता है। तो आपको हमेशा टायर प्रेशर तो चेक करते रहना चाहिए। तो अब हमेशा मेरे लिए इन्फ्लेटर निकालना डिफिकल्ट होगा, सो आई बॉट दिस एक क्यूट वन। तो इसको रिया बोल रही है कि बाद में घर में एंटीक बना के कहीं रख देगी। तो इसका ब्रांड भी कुछ एंटीक है, इसका भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, 200-250 का कुछ आया था। सो दिस इज फॉर जस्ट क्विक चेकिंग माय एयर प्रेशर, एंड अगर कुछ हवा निकालना हो तो करेक्ट। और अगर रात में सपोज कुछ चेक करना हो, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो ये टॉर्च है जो स्वयं ने लिया है, ये मैंने नहीं लिया, ये मैंने एक्चुअली मेरे भाई से मंगवाया है। उसके बाद ये टॉर्च था, अब देख सकते हो, नाइट स्टिक, ही वाज सेइंग दैट दिस इज एक्सप्लोजन प्रूफ, बट हाँ होता तो हम लोग तोड़फोड़ करने नहीं जा रहे। ये मैंने अमेजन में देखा, अवेलेबल है, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा, बट थोड़ा सा कॉस्टली है, शायद मैं खरीदता तो ये टॉर्च नहीं खरीदता, सिंस उसके पास था तो आई पिक दिस, बट मैं आपको लिंक डाल दूंगा। बट आप टॉर्च जरूर लीजिए। हाँ, टॉर्च जरूर लीजिए। एंड इनफैक्ट हमने एक हेड स्ट्रैप एंड लैम्प भी लिया है, जो दिल्ली से परचेज हुआ है अपना, वो मैं आपको दिल्ली जाके फिर उसका शूट करके बताऊंगा। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉयलेटरीज पार्ट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इंडिया में जो टॉयलेट्स की हालत है वो तो हम बहुत बार कवर कर चुके हैं जितने रोड ट्रिप्स के हैं। तो ये मैंने एक बाय किया है अमेजोन से, पी सेफ। ये कोई भी हम जो कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं रोड्स पे, वहां पे आप स्प्रे कीजिए एंड वेट फॉर 5 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स, आपका वो पॉट और जहाँ पे भी आप टॉयलेट करेंगे वो सैनिटाइज हो जाता है जगह, एंड देन यू कैन यूज आफ्टर स्प्रेइंग दिस। उसके बाद एक छोटा सा नोजल क्यूट सा, इसका मुझे डोमो करने दो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, हम लोग वी आर आल्सो टेकिंग वन वॉशरूम टेंट। वो अमेजन में भी मिलता है, उसका मैं लिंक डालूंगा, बट वी बॉट इट फ्रॉम दिल्ली। तो उसमें अगर वॉशरूम टेंट जाएंगे तो हम लोग हो गए ना जेट स्प्रे की आदत हो गई है। तो रिया ने ये प्रोडक्ट ढूंढ के निकाला, एक और था इसका बॉटल के साथ, मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, बट ये मेरे को सस्ता लगा। तो इसको बॉटल में लगाओ और यहाँ पे स्प्रे है, बस प्रेस करो, स्प्रे हो जाएगा। दिस विल वर्क एज ए जेट स्प्रे। वॉशरूम टेंट हमने ले ही लिया है, एंड तो वही है और क्या। और साथ में हमने सनशेड्स लिए हैं अपना आंख बचाने के लिए, क्योंकि लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा धूप का प्रॉब्लम होता है, राइट। वहाँ पे सन रेज, हाँ, क्योंकि वहाँ पे सन बहुत ब्राइट है लेक के साइड में। एनीवे भी आप अगर सुबह डे टाइम पे ड्राइव करते हो तो आप सनशेड्स पहन के ड्राइव कीजिए, क्योंकि आजकल के टेम्परेचर बहुत हाई है हर जगह पे, राइट। बट लद्दाख में क्या होता है ना फ्रेंड्स, अगर आप सनसेट तो नहीं, आफ्टरनून में ड्राइव कर रहे हो तो, और अगर टुवर्ड्स वेस्ट फेस करके ड्राइव कर रहे हो तो क्या होता है कि आपके आंखों में पूरा डायरेक्ट सनरेज आता है। एंड अगर आप बाइक राइड पे जा रहे हो सो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी द रोड। नॉर्मली देखो मैं मुंबई में चला लेता हूँ स्पेक्स पहन के, बट लद्दाख में बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी हैव डन इज, लास्ट टाइम मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था रिवर राफ्टिंग के वक्त, मेरा शेड्स गिर गया था। एंड सिंस आई एम मैं स्पेक्स यूज करता हूँ, रिया भी स्पेक्स यूज करती है, तो हमारे लिए फटाक से कोई भी रोड साइड में एक गॉगल्स खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए हमने बैकअप भी बना के लिया। सो व्हेनेवर यू आर बाइंग, यू जस्ट सी दैट यू आर बाइंग समथिंग ऑफ यूवी प्रोटेक्शन। तो हम लोग ये रेबन ले सकते थे, बट रेबन में ना लेंस का प्राइस होता है, तो अगर आप पावर वाले नहीं हो, नॉर्मल ग्लासेस यूज करते हो, यू कैन बाय रेबन पोलारॉइड। बट व्हाट वी हैव डन इज, फास्ट्रैक सस्ता पड़ा अपने को क्योंकि उसके फ्रेम्स सस्ते आते हैं, तो फास्ट्रैक लेके उसमें अपना पावर लगा लिया। तुम्हारा भी फास्ट्रैक ही है ना? फास्ट्रैक ही है। और उसके बाद हमने 2 सस्ते वाले लेंस कार्ड से और पावर ग्लासेस ले लिए, तो मेरे 2 रिया के 2 हो गए। बट हाँ, हम लोग ने ट्राई किया है कि डार्क वाले ही ले, क्योंकि यूवी प्रोटेक्टेड ही लिया है हम लोग, राइट। क्योंकि हम लोग सोचे कि जब ठीक है हम रेबैन नहीं ले पा रहे, बट ग्लास अच्छा ले, ग्लास से ही हम, क्योंकि हमारे पावर ग्लासेस है और हमें आंख में बहुत स्ट्रेन पड़ता है जब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, स्पेशली स्वयं को बहुत पड़ता है। तो हमने प्रॉपर ग्लास, अच्छे ग्लास, यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस सजेस्ट किया। और पता है मुझे स्ट्रेन क्यों पड़ता है? बिकॉज वो बोलते हैं हमेशा ड्राइव करूंगी, और वो ड्राइव नहीं करती है, ड्राइविंग मुझे ही करना पड़ता है 70 to 80% ऑफ द टाइम। दो आई एंजॉय दैट ऑल्सो, बट कभी कभार ठीक है जब मैं बहुत टायर्ड होता तभी रिया ड्राइव करती है। अच्छा, जब हम लोग टेंट का बात कर रहे थे ना, हम आपको एक चीज बताना भूल गए। तो जैसे टेंट में रहने के लिए है ना, अगर हम लोग वहां पे अगर स्टे करते हैं या फिर मान लीजिए होम स्टेज में रहते हैं, तो हम लोगों को बेसिक एक चीज रहेगा सोने के लिए। तो वहां पे टेंट के साथ हमने एक मैट्रेस भी लिया है, जो टेंट मैट्रेस होता है। एक ही टेंट मैट्रेस लिया, बाकी योगा मैट्स लेके जा रहे हैं, काम चला देंगे अगर इनकेस रहना पड़े तो। एंड उसके बाद हम लोग 3 स्लीपिंग बैग्स ले रहे हैं, उसमें से एक मेरा पहले से ही है, जो ये अपना वाइल्डक्राफ्ट से मैंने लिया था, बहुत महंगा था भाई, 3,500 का था 5 साल पहले, बट हाँ ये एक हम लोग कैरी करेंगे। एंड साथ में 2 स्वरूप ने दिल्ली में बाय किया है। साथ में जैसे हम लोग टेंट पे रुकेंगे तो मैडम ने कुछ एक मिरर लिया है, जो मैडम बताएंगी। ये पोर्टेबल मिरर है जो मैंने मिनीसो से बाय किया है। इसका 2 पर्पज है, एक तो इसको हैंग कर सकते हैं, नॉर्मली आप टेंट पे हैंग करके यूज कर सकते हो, या फिर एज अ स्टैंड भी यूज कर सकते हो, राइट। तो दिस इज कॉस्ट अराउंड 200 इन मिनीसो। अच्छा था तो हमने ले लिया, और भी ऑप्शन है, आप और भी ऑप्शन देख सकते हो, बट एक मिरर वगैरह कुछ ले सकते हो। एंड साथ में जैसे हम लोग टेंट में वहां पे रहेंगे तो खाने के लिए है ना, वहां पे मैं इसका फोटो पैरेलल पे डालूंगा या दिल्ली का रिकॉर्डिंग डालूंगा। हमने एक गैस ओवन लिया है, एंड साथ में ब्यूटेन गैस के हम लोग 3 से 4 कैनिस्टर्स लेके जा रहे हैं। साथ में जैसे हम लोग टेंट पे रहेंगे और हाई ऑल्टीट्यूड में रहेंगे, वहां पे अगर कहीं हम लोगों को ऑक्सीजन की इश्यू हो, इसीलिए लिया ने कुछ तो चीजें लिया है। ये एक ऑक्सीमीटर लिया है जो हमने कोविड के टाइम पे लिया हुआ था, तो ये एक ऑक्सीमीटर बहुत यूजफुल है, आप भी प्लीज कैरी कीजिए। साथ में एक थर्मामीटर हम ले रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल थर्मामीटर, नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक। ये भी आपको हेल्प करेगा ट्रिप में टू चेक आवर टेम्परेचर। जैसे ही हेल्थ की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, इट्स बेटर टू गेट योर हेल्थ चेकअप डन बिफोर यू लीव फॉर लद्दाख। सो संडे वी वेंट टू हेल्थ स्प्रिंग नियर बाय आवर होम, तो वहां पे हमने जस्ट फिजिशियन कंसल्ट किया, उसने अपना बेसिक बीपी वगैरह चेक किया। एंड साथ में हमने वहां से एक हेल्थ पैकेज ले लिया टू गेट एवरीथिंग चेक. बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों, व्हेन यू आर इनटू द हाई ऑल्टीट्यूड तो वहां पे द एयर इज वेरी मच थिनर compared to where we are now, and people who are living there, they are acclimatized to breathe in that type of air. So हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वहाँ पे at different levels stay कर करके है ना acclimatization करते हुए ऊपर चढ़ना है. But at the same time हम लोगों के बॉडी में enough we should have good hemoglobin levels. Then ECG वगैरह तो आप पहले से करा के ही जाओ. तो आप फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लो, जिसे आप रेगुलर ये बोलो कि मैं हाई एल्टीट्यूड में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो वो जो भी आपको सजेस्ट करते हैं ना वो टेस्ट कराओ एंड अकॉर्डिंगली आप मेडिकेशंस यहाँ से प्री प्लान करके ले जाओ. डोंट वेट फॉर गेटिंग सिक ओवर देयर देन फाइंडिंग ए मेडिकल हेल्प. जैसे रिया ने ये ऑक्सीमीटर दिखाया ना, इन ऑक्सीमीटर इफ इट इज लेस देन 85 सो वी आर ऑल्सो कैरिंग ऑक्सीजन कैनिस्टर्स so that if required we can use them for instant oxygen requirement of the body. and साथ में जैसे ही हम लोग वहाँ पे जाएंगे ना, हम लोग हाइड्रेटेड रहना पड़ेगा so that we can acclimatize better and acclimatize faster. तो डॉक्टर ने हम लोग को डायमॉक्स एडवाइस किया है. सो प्रीवियस ट्रिप में मैंने विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस डायमॉक्स तो लिया था, सो वो एक्चुअली नहीं करना चाहिए. दिस टाइम आई कंसल्टेड डॉक्टर एंड डॉक्टर टोल्ड दैट आई कैन टेक डायमॉक्स बिफोर 5 to 6 hours of my travel plan to high passes. So जैसे अभी हम लोग मनाली जाएंगे, मनाली से नेक्स्ट हम लोग जिस्पा में रहेंगे 10,000, फिर जिस्पा के बाद हम लोग 3 नाइट पूरा 15,000 से नीचे तो उसके बाद आएंगे ही नहीं. पांग ले लो, सोमोरीरी ले लो, हानले ले लो, सारे 15,000 पे है. सो वी नीड दैट डायमॉक्स सो दैट कि मेरा ब्लड थोड़ा सा थिन हो जाए एंड साथ में हम लोग रिक्वायर्ड वे में अपने को हाइड्रेटेड रखेंगे. एंड अगर ऑक्सीजन मीटर आपका 70 या 80 से कम दिखाता है तो आपको वहां पे ऑक्सीजन परफेक्ट लेना ही पड़ेगा. राइट. एंड आप वेट मत कीजिए कि आपको ऐसा ऑक्सीजन का इश्यू फील हो रहा है तभी आप ले. आप पहले ही प्री प्लान करके डायमॉक्स कैरी कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली जो मुंबई से जा रहे हैं लोग, हम लोग सी लेवल पे रहते हैं, हम लोगों को हायर ऑल्टीट्यूड. मुंबई फॉर मैटर इफ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम चेन्नई और एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर. जो फिजिशियन थे उन्होंने भी वही बोला कि हमारी बॉडी उतनी एक्लिमेटाइज नहीं हो पाती है कंपैरिजन टू जो हायर ऑल्टीट्यूड में रहते हैं. तो बेटर टू कैरी डायमॉक्स. और उन्होंने कुछ विटामिन के भी बोले हैं, विटामिन B12 एंड D के टैबलेट्स कैरी करने के लिए, जो कि हम कैरी कर रहे हैं. और सन प्रोटेक्शन के लिए मैंने स्वयं और उसके फ्रेंड के लिए एक लाशेल्ड का 50 SPF का लिया है फॉर फेस. एंड क्योंकि लास्ट टाइम स्वयं का एक्सपीरियंस बहुत खराब था सन प्रोटेक्शन. हाँ, तो मैंने है ना, हमने सन प्रोटेक्शन का कुछ भी नहीं किया था. फिर हमने चमड़ियां उठ के निकल रही थी एंड मेरा ऐसा है ना पूरा गाल फट रहा था. मेरा नहीं, ग्रुप में सबका फट रहा था. देन वी वेंट टू मेडिकल स्टोर, वी बॉट सम एलोवेरा जेल और हमने वो अप्लाई किया, फिर धीरे धीरे वो कम हो. सो दिस टाइम वी आर गोइंग प्रिपेयर्ड. एंड एक बॉडी के लिए मैंने 40 SPF का लिया है. आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा 50 और 40 SPF का ही यूज करें, क्योंकि 15 SPF 25 SPF कैरी करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे वहां पे बहुत ज्यादा सनरेज रहते हैं. और इसलिए हम लोग ने फुल स्लीव टी शर्ट्स, सारे अपने फुल स्लीव टी शर्ट्स ही हैं. एंड साथ में क्या है ना, वहाँ पे जितना मैंने पता किया है, इवनिंग बहुत ऐसे जगह है रिमोट लोकेशन से जहाँ हम लोग स्टे कर रहे हैं. ले सिटी की बात अलग है, बट बाकी बहुत जगह में शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ये पावर रहता है. तो एक पावर की जो रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए अभी कम टाइम में हम लोग को चार्ज करना है. तो मैंने एक स्पाइक बास्टर ले लिया, ये भी मैंने अपने ब्रदर से उधारी पे लिया है. साथ में अभी हम लोग इतना रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो ये उससे एक USB हार्ड डिस्क लिया है. मेरा USB हार्ड डिस्क है, ये दोनों भर जाएंगे फिर नहीं पता, बट फिर क्लाउड में डालना पड़ेगा. बट इतना तो हमने ले लिया है, 3.5 TB है इधर. साथ में दिस इज वन पावर बैंक विच अगेन आई टुक फ्रॉम माय ब्रदर. एंड एक और पावर बैंक स्वरूप के पास है, तो वो भी ले लेगा. तो पावर बैंक हम लोगों को है ना इंस्टेंटली चार्ज करने में तो हेल्प करेगा. देखिए गाड़ी में ड्राइविंग के टाइम चार्जिंग हो जाएगी, बट जैसे अभी अगर हम लोग मान लीजिए टेंट पे रहते हैं, तो हमने एक USB बल्ब लिया है. तो USB बल्ब उठाओ, पावर बैंक में लगाओ और उजाला. मैं आपको लिंक सारी चीजों का है ना, ये जो हमने परचेस किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. और जो जो चीजें हमने दिल्ली से लिया है वो मैं आपको इधर दुकान का लिंक डाल दूंगा. एक चीज मैं गाड़ी का मिस कर गया, तो गाड़ी में जैसे हम लोग लद्दाख की तरफ जाएंगे, अभी आपने गाड़ी का सारा बेसिक सामान देख लिया. अब गाड़ी चलने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है फ्यूल. तो अब फ्यूल अगर मैं बोलूं, मनाली टू लेह हाईवे में 365 किलोमीटर तक आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा. अब केलोंग में लास्ट पेट्रोल पंप था, अभी एक तांडी में भी खुल गया है. बट द थिंग इज कि हम लोग डायरेक्टली ले नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे सोमोरीरी, सोमोरीरी से जा रहे हनले, हनले से उमलिंगला वगैरह घूम के एक्चुअली में देखा जाए तो पैंगोंग के नुब्रा जाना था हम लोगों को, तो नुब्रा में पेट्रोल पंप है। तो ये पूरा अपना लंबा स्ट्रेच देखोगे तो 1300 किलोमीटर का है करीब, और कहीं अगर हम लोग भटक गए तो और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसके लिए मेरी गाड़ी की कैपेसिटी है 45 लीटर। सो स्वरूप वेंट टुडे इन द दिल्ली मार्केट एंड ही बॉट 4 प्लास्टिक ड्रम्स, क्योंकि प्रॉपर जो ये होते हैं ना अपने जेरिकेन्स होते हैं 20 लीटर का 2-2,500 का प्राइस आता है मेटल वाले, तो वो तो पॉइंट नहीं है अभी एक ही ट्रिप के लिए इतना महंगा स्पेंड करना। सो वी गॉट दैट प्लास्टिक ड्रम्स जिसपे हम लोग फ्यूल भर के लेके जाएंगे। तो वहां पे मैंने 80 लीटर का एक्स्ट्रा जुगाड़ किया है, मैं अपनी गाड़ी की सीटें डाउन कर दूंगा एंड वहां पे हम लोग पेट्रोल लेके जाएंगे। पेट्रोल के कैन मैं फोटो में डाल दूंगा एंड साथ में उसका प्राइस 160 रुपया पर जार का है, अमेजन में भी है, उसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप हाँ अगर आप दिल्ली से नहीं हो या फिर मुंबई में आपको कहीं मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज आप अमेजन से भी मंगा सकते हो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ये कैन वैन का बात तो सब कुछ ठीक है, साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका मैप एंड रूट। सो व्हाट वी हैव डन, आई वुड लाइक टू थैंक फैल्कन राइडर्स। उनके वेबसाइट से मैंने हाई रेजोल्यूशन मैप डाउनलोड किया जहां पे उन्होंने सारा टैगिंग किया हुआ है किस रोड पे आपको ऑफरोडिंग की जरूरत है, किस रोड में आपको पेट्रोल पंप, ओपन पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, कहां पे आपको पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, ये सारा मैं आपको स्क्रीन में डाल रहा हूँ। ये फोटो का लिंक भी मैं डाल देता हूँ, आप उनके वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ में हमने एक है ना ऑफलाइन लद्दाख मैप भी खरीदा है, दिस आई बॉट फ्रॉम अमेजन फॉर अराउंड 130 रुपीज। तो रिया हेल्प मी आउट। तो ये है अपना लद्दाख का मैप एंड ये हम कैरी करने वाले हैं अपने ऑफलाइन गूगल मैप्स के साथ, क्योंकि हमें पता नहीं कितना वहां के लोकेशंस और गूगल मैप कितना स्पेसिफिक हमें वो लोकेशंस देगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही हमारे पास है राइट, एंड बाकी हम लोग दिल्ली में जाके और थोड़ा शूटिंग करेंगे, मैं भी इस वीडियो के बीच में मैं कहीं कहीं डाल दूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनाली। तो मेरे आसपास के कचरों को इग्नोर करो। सो आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया मैंने और यानी कि क्या हम लोग चीजें लद्दाख के लिए लेके जा रहे हैं। नाउ फर्दर टू दैट ना मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि कुछ चीजें रूप में बाई करके रखी थी, तो उसमें से सबसे जरूरी है ये जैसे पोर्टेबल स्टोव। सो इसको मैं अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। तो ये है ना बहुत ही यूजफुल आइटम है अगर आप ऐसे कैंपिंग या लंबे ट्रिप के लिए जा रहे हो ना। सो एंड इट इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड इट इज रियली वैल्यू फॉर मनी। सो ये देखो दिस इज द स्टोव, ये आपके एक हैंड में आ जा रहा है। तो पहले इसके मैं पाव खोल देता हूँ, दिस 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 एंड दिस। सो इट कैन स्टैंड हियर। नाउ आई विल ओपन दिस 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 दिस। सो this is the stove. Now these are butane cylinders which are available for 150 rupees and this is kind of 450 or 500 rupees. तो इसमें जो ये है ना ये नॉच आप देख पा रहे हो, ये नॉच से ये इधर ऐसे बैठ जाता है। मैं अभी खोलूंगा नहीं बिकॉज ये स्मोक साइलेंट ये नॉन स्मोकिंग रूम है, यहाँ स्मोक आ जाएगा तो फिर आपको पता है। तो यहाँ पे ये गैस लाइटर भी लगा हुआ है, तो इससे आप ये लाइट इन कर सकते हो जो ये स्पार्क क्रिएट करता है, साथ में गैस लगेगा तो आपका ऑटोमेटिक बर्नर काम करेगा। एंड इसके ऊपर हमने घर से ही सॉसपेन ले लिया है अगर आप बाइक राइड से जा रहे हो, एंड देन यू कैन बाई कैस्पर और सम अदर यूटेंसिल का जो कॉम्पैक्ट आता है ना वो आप खरीद सकते हो। नाउ दिस वाज वन आइटम, ये रैंडम हो रहा है डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आइटम बट हाँ आप देख लो। दिस इज अ हेडलैम्प, तो प्रोबेबली वी कैन वेयर इट लाइक दिस। नाउ दिस हैज ना मल्टीपल टाइप ऑफ चार्जर्स। सो ये अगर आप प्लग पावर से चार्ज करना चाहते हो और ये अगर हम लोग ड्राइविंग के साथ साथ चार्ज करेंगे। एंड दिस इज ऑपरेटेड बाय 2 रिचार्जेबल बैटरीज। सो दिस इज अराउंड, स्वरूप कितने का था ये हेडलैम्प वाला? 350। सो दिस इज फॉर 350 इंक्लूडिंग ऑल द एसेसरीज। एंड ये तो मैंने आपको बताया 150 का था, ये हमने बहुत पहले मुंबई की ट्रिप के लिए लिया था। दिस इज ए पोंचो, तो आपको मालूम ही होगा ये हमने अमेजन में 6 का पैकेट बाय किया था बहुत पहले। मैं जब अम्बोली घाट गया था तब यूज किया था, अभी 4 पड़े हैं अनयूज तो मैंने वो 4 कैरी कर लिए। पता चला हल्का सा ड्रिजलिंग में हमको वॉक वगैरह करना हुआ। ये छोड़ के जो बाकी चीजें है ना मैं आपको गाड़ी में अभी जब हम लोग सामान डालेंगे ना तब मैं एक बार आपको रिकॉर्डिंग दिखा देता हूँ। गाइस अभी निकलने के लिए हम तैयार है मनाली से। सो यू कैन सी दिस इज हाउ वी हैव पैक्ड। तो अभी कुछ कुछ आइटम्स जो आपको बताना था ना वो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ इन डिटेल। दिस इज ए बेलचा टाइप ऑफ थिंग जो अगर कहीं स्वरूप दिखा रहे हैं हम लोगों, जो अगर कहीं स्टक हो गया ना गाड़ी तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो दिस इज हाउ इट ओपन। स्वरूप ये कितने का लिया था हमने? ये 300 या 400 रुपए, वही 300-400 का कुछ था ये। एंड दिस विल हेल्प अस इफ इट गेट स्टक इन द मड। ये ऐसे लॉक हो जाता है और ये भी मूव होता है ना, ये ऐसा भी कर सकता है। अच्छा अगर ऐसे निकालना है तो इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट बट हाँ बहुत कॉम्पैक्ट भी है, सो इट बिकम्स वेरी हैंडी। ये जो टेंट है हमारे स्टे के लिए है जहाँ पे भी हम कैंपिंग करें तो। और ये टेंट के साथ है ना, हमने ये भी लिया, ये प्लास्टिक का त्रिपाल जैसा टू कवर फॉर रेंज। और ये एक चीज है, इट्स अ वॉशरूम टेंट। दिस इज अ वॉशरूम टेंट। ये अभी मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगा बिकॉज ये हम लोग होटल के लॉबी में है, ठीक है। दिस कैन बी ओपन टू ए ट्रायंगुलर, तो एक बार हम उसको स्नैप्स आपको डाल देंगे इसमें। यस, अभी ट्राइड कि हम जितना एक्सेसरीज लेके जा रहे हैं हम कवर करें, बट इतना कुछ स्ट्रेसफुल मत है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हम लेके कैरी कर रहे हैं। इतना कुछ आप लोगों को वेरी नॉर्मली इजीली अवेलेबल है सब साइट्स पे। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, मैंने रूट मैप आपने देख लिया, रूट सब कुछ हो गए। सो सबसे नेक्स्ट जरूरी चीज होती है परमिट। ले जाने के दो रूट्स हैं, एक आप श्रीनगर होके जा सकते हो, स्टार्ट पॉइंट आप दिल्ली ले लो, फिर श्रीनगर होके आप जा सकते हो, या फिर आप मनाली होके जा सकते हो। तो अगर आप श्रीनगर होके जाते हो तो वहां से कोई परमिट नहीं चाहिए। अगर आप मनाली होके जाते हो तो आपको तभी परमिट चाहिए अगर आप रोहतांग पास से जा रहे हो। मैं आपको हिमाचल गवर्नमेंट का वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, वहां पे आपको बियॉन्ड रोहतांग पास का परमिट लेना है एंड आप वो रोहतांग पास होते हुए जा सकते हो। बट सिंस हम लोग अटल टनल होके जा रहे हैं तो हमने वो परमिट नहीं निकाला है। सेकेंड पार्ट रहता है अपना ले जाने का। तो ले जाने का या फिर लद्दाख में एंटर करने का अभी आपको एक परमिट चाहिए होता है, जो मोर ऑफ दे टेक ग्रीन टैक्स टाइप ऑफ थिंग। सो दे चार्ज यू 400 रुपीज पर पर्सन फॉर 1 ईयर। तो मान लीजिए आपने अभी निकाला तो आप नेक्स्ट मार्च में गए तो आपको फिर से निकालने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी वैलिड। सेकेंडली आपका पर डे पर पर्सन 20 रुपए करके एक और एडिशनल चार्जेस है। सो जितने दिन आप रहोगे वो उतने ही टाइम का आपको भरना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लो। यहाँ पे हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो एंड तक आप वो परमिट का जो पूरे स्टेप्स है ना वो देख लो। लद्दाख गवर्नमेंट ने जो रिसेंट रूल लगाया है कि आप लेह में अगर फ्लाइट से लैंड करते हो तो आपको वहां पे 2 दिन रुकना पड़ेगा फॉर एक्लेमेटाइजेशन एंड देन आप आगे जा सकते हो। तो जैसे ही मैं उनके वेबसाइट में ये करने गया ना तो दे वर आस्किंग व्हेन यू आर रीचिंग लद्दाख, तो मैंने वहां पे जैसे ही 16 अगस्त का डेट लिया, वो परमिट में मुझे 18 अगस्त से सिलेक्ट करने दे रहा था। देन आई डायल देयर कॉल सेंटर, देन कॉल सेंटर वाली मैडम ने मेरे को बोला कि नहीं आप रोड से आ रहे हो तो एक काम करो आप बैकडेटेड डाल दो कि 2 दिन पहले लद्दाख एंटर कर रहे हो। तो मैंने 14 अगस्त लद्दाख एंटर कर रहा हूँ डाल दिया, तब जाके मुझे 16 से परमिट मिला। तो मैंने 16 से 29 का परमिट निकाला है, बट मैं शायद 26 तक निकल जाऊंगा। बट स्टिल आई हैव टेकन 3 डेज बफर। अगर लैंडस्लाइड या फिर बैड वेदर या कुछ चीजों के लिए हम लोग फंस जाते हैं, फिर कहाँ वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं रहेगा, फिर हम लोग कहाँ पे करते बैठेंगे 20 रुपए करके। तो 20 रुपए करके 3 दिन का 60 रुपए एक्स्ट्रा पर पर्सन हमने पे कर दिया, सो दैट कि हम लोगों के पास 3 दिन का बफर है। और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है, हाँ। और आप इसके आगे आपको मैं सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ, आप वो एक बार देखो। So I am going to show you how to book permit for Leh Ladakh. अभी हमारा ट्रिप कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। So I am just going to their site. Now what they are saying is wearing mask in public places. Click here for more details. ठीक है, this is fine. We'll skip here. तो जितना मुझे पता है we have to go to domestic. All domestic tourists are hereby informed that there will be no further need of verifying payment contribution slip at DM office. मतलब आपको offline कहीं जाके कुछ भी verify कराने की जरूरत नहीं है. Tourist can visit the areas directly after online payment and the slip in form of PDF or hard copy. तो हम लोग प्रिंट आउट निकाल लेंगे and PDF also we will carry. It is mandatory to show your Leh arrival boarding pass along with the permit. Anyways we are doing a road trip, तो इसकी शायद हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. Citizens following of the following countries are required to protected areas of Ladakh permit. Anyways, we are Indian citizen, तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर रहा हूँ। So my name is Swayamvar Majumdar. State is Maharashtra. ये मणिपुर कैसे हो गया? Maharashtra. आईडी टाइप आई एम सिलेक्टिंग आधार कार्ड। यहाँ पे मैं अपने आधार कार्ड के एड्रेस एंटर कर दूंगा सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। नाउ पेमेंट कैसे करना है? आई स्क्रॉल डाउन टू दिस पेज, सो आई विल बी डूइंग द पेमेंट डायरेक्टली। यहाँ पे मैंने 2 दिन पुराना डेट सिलेक्ट किया 14 अगस्त, क्योंकि मुझे परमिट 16 अगस्त से चाहिए। ऑलरेडी रजिस्टर मत दिखाओ। ओके, इश्यू ग्रुप रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्टर्ड। अब इश्यू इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन, इश्यू ग्रुप रजिस्ट्रेशन। आप अगर अकेले हो आप जाके इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन इश्यू कर सकते हो, बट सिंस हम ग्रुप में जा रहे हैं आई विल गो फॉर इश्यू ग्रुप रजिस्ट्रेशन। सो टूरिस्ट डिटेल्स में फर्स्ट मैं रिया का नाम डाल रहा हूँ, फीमेल। देन आई विल प्रेस एड। यहाँ पे मुझे स्वरूप का डालना पड़ेगा। तो नाउ आई विल गो टू नेक्स्ट। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली हमारा कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट कवर होगा, हम अच्छा खासा घूम रहे हैं तो आई एम प्लानिंग कि मैं सबको ही टिक कर दूं। आप भी अगर बुक कर रहे हो ना सबको टिक कर दो आप, बाद में अपने को पता नहीं ना, पता चला कि नोब्रा टू पेंगोंग अगम शियोक रोड बंद है तो कहीं और से जा रहे हैं, क्योंकि अगम रिवर का शियोक रिवर का कभी पानी बढ़ जाता है तो कहीं और से भी अगर कहीं किसी स्टेज पे जाना पड़े तो अपना ये बेटर रहेगा। देन आई हैव टू पुट आवर डेट ऑफ अराइवल। अब हम लोग 16 अगस्त से है ना, कब का परमिट लेंगे? स्वरूप का फ्लाइट है 28 को श्रीनगर से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 29 अगस्त तक का ले लेते हैं। नहीं फिलहाल भाई ठीक है, बहुत पैसे दे रहे हैं, जाके स्पेंड भी बहुत करेंगे। That I will not take any photograph in any sensitive places, defense नहीं लेंगे। Government issuing authority will be responsible for any mishap, yes. I will drive responsibly, yes. I will dispose of all trash, हाँ वो मैं हमेशा करता हूँ। I will respect the customs and culture of the region, yeah, that I always do. So with that I accept the self declaration. Wildlife fee 840 840 and then environmental fee 1200, क्योंकि 400 into 3 एंड वाइल्ड लाइफ फी पर डे का 20 रुपया करके है, सो दैट इज 840, सो दैट इज फाइन 2440। ये दिस इज जीरो एंड प्लस पे नाउ इजी पे। लेट मी पुट अप द क्रेडिट कार्ड। हाँ भाई डोमेस्टिक है, उनको पता तो चले कि कहाँ से ट्रांजैक्शन आ रहा है। सो कंटिन्यू 2058 को चार्जेस ले लिया होगा उसने। योर रिक्वेस्ट इज इन बीइंग प्रोसेस, इसे बैंक ले साइड में, या योर पेमेंट इज रिसीव्ड। प्रिंट देखते हैं क्या डाउनलोड हुआ है। ओपन। सो ये अपना परमिट बन गया 16 अगस्त टू 29 अगस्त। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कितने डेट्स बनते हैं 16 से 29। यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और 6, 13 और ये 29, 14 दिन के। कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 14 दिन इंटू 3 पीपल इंटू 20 रुपीज पर डे 840। परफेक्ट, उन्होंने 840 एक फी लिया है पर डे 20 रुपीज के हिसाब से, एंड ओवरऑल ये वाइल्ड लाइफ फीस और 400 के हिसाब से 3 लोगों का 1200 लिया है एनवायरमेंट फीस। नाउ दिस एनवायरमेंट फीस इज वैलिड फॉर 1 ईयर। अब 1 साल में मान लीजिए नेक्स्ट ईयर मार्च में फिर से ले जाना हुआ तो हम लोग को ये एनवायरमेंटल फी फिर से नहीं देना है। 5 दिन रहता है तो 20 रुपए के हिसाब से, 100 रुपए पर हेड के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। सो होप आपने अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा होगा एंड आई बिलीव दैट इज क्वाइट डिटेल्ड। सो उसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरीज है आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। एंड जो प्रो लद्दाखियन नहीं बोलूंगा, जो लद्दाख ट्रिप हमसे भी ज्यादा कर चुके हो, कुछ अगर आपको लगता है कि हमने मिस आउट किया आप यहाँ पे डाल सकते हो, ये बाकी लोगों को हेल्प करेगा। सो एडिशनली अभी नेक्स्ट ब्लॉग जो आने वाला है दैट विल बी अबाउट आवर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू एंटायर से, फिर पूरे एपिसोड में हम लोग डालते रहेंगे, तो पूरी सीरीज में आप बने रहो। आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो करो सो दैट यू कैन गेट लाइव अपडेट्स ऑफ वेयर वी आर गोइंग एंड व्हाट ऑल वी आर फेसिंग। एंड क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो एडिटिंग करना और हम लोग ट्रिप में है, ऑब्वियसली वी लाइक टू एंजॉय दैट ट्रिप ऑल्सो, तो मे बी ये वीडियोस आप कुछ दिन बाद देखोगे। सो वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फॉर लद्दाख ऑन 11 अगस्त एंड फर्स्ट नाइट हॉल्ट अपना काइंड ऑफ उदयपुर, देन दिल्ली, मनाली एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो ऑन। हम आपको अपना रूट शेयर करेंगे वीडियो पे, तो आप फॉलो करते रहो एंड कीप अस सब्सक्राइब्ड एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग एनी वीडियो फ्रॉम अस। थैंक यू, बाय बाय।